कांग्रेस के साबका प्रधान सुनील जाखड़ बीते कल भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के कौमी प्रधान जे पी नड्डा की मौजूदगी में दिल्ली में भाजपा में शामिल हुए। भाजपा आगू और कौमी प्रधान जे पी नड्डा ने जाखड़ का स्वागत करदिया कहा कि वह तीन दहाके तो ज़्यादा समय तो सियासत में सरगर्म ने। उन्हें कहा कि देश में राष्ट्रवादी ताकत मजबूत हो रही ने, पंजाब में भाजपा एक मजबूत विरोधी धिर बनती जा रही। उन्हें यह भी कहा कि असी मिल के एक नवा पंजाब बनावांगे। इस मौके सुनील जाखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित होर भाजपा आगुआ का धन्यवाद भी किया। उन्हें इस मौके कहा कि कोई काम सौखा नहीं हुंदा, 50 साल का संबंध मेरा कांग्रेस पार्टी नाल है। साड़ियां तीन पीढ़ियां कांग्रेस नूं अपना परिवार समझ के चंगे माड़े समय विच नाल रही। जिस खुले दिल नाल भाजपा आगुआ ने मिलन का मौका दिता उसका एक कारण यह है कि सुनील जाखड़ ने कदे सियासत नूं निजी स्वार्थ लई इस्तेमाल नहीं किया। जे 50 साल बाद सुनील जाखड़ ने परिवार नाल नाता तोड़न की हिम्मत दिखाई है तो यह कोई निजी कारण नहीं सी, सगों बहुत सारे कारण सन। आओ हुण सुनील जाखड़ के पिछोकड़ ते भी झात मार लैने। पंजाब कांग्रेस के प्रधान रहे अते सियासी खानदान तो आने वाले सुनील जाखड़ पंजाब विच कांग्रेस का एक मन्या प्रमन्या चेहरा रहे ने। सुनील जाखड़ भी एक सियासी खानदान तो आते ने अते लोक सभा स्पीकर अते मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे बलराम जाखड़ के पुत्र ने। हालांकि 1984 की सिख नक्सलकुशी दौरान सुनील जाखड़ के पिता बलराम जाखड़ का रोल काफ़ी विवादित रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जदों अहुदे तो हटाउण लई मुहिम विढ़ी गई अते लगातार पंजाब कांग्रेस के लीडर दिल्ली के गेड़े कढ़ रहे सन, सुनील जाखड़ उन्हां विचों नहीं सन। नवजोत सिद्धू के प्रधानगी का अहुदा संभालण वाले दिन जाखड़ ने कई गल्लां ते अपनी नाराजगी भी जाहिर की सी। सुनील जाखड़ ने बेअदबी नशिया के मामले ते हमेशा अकाली दल नूं घेरिया है। सुनील जाखड़ भावें इस बार लोक सभा ते विधानसभा दीआं चोणां विच आप नहीं जित सके पर पार्टी ने बतौर पंजाब कांग्रेस के प्रधान पार्टी सामने हमेशा वधिया सुझाव पेश कीते ने। नवजोत सिंह सिद्धू अते कैप्टन अमरिंदर सिंह दोहां नाल सुनील जाखड़ के चंगे रिश्ते देखे जाते सन। नवजोत सिंह सिद्धू के प्रधान थापे जाने वाले दिन उन्होंने बयान देंदे हुए आख्या सी कि पंजाब विच कांग्रेस की जित का रस्ता कोटकपूरे अते बैबल कलां विचों होके जाता है। लोक सभा सांसद रहिंदे हुए उन्होंने रफेल मुद्दे ते कांग्रेस का पक्ष काफ़ी वधिया तरीके नाल रख्या सी। विनोद खन्ना की मौत तो बाद गुरदासपुर विच होईयां लोक सभा जिमनी चोणां विच ਉਹ 1 लाख तो ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਬੋਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ। 2012 ਤੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। अपने बयानों में वो अक्सर पंजाब कांग्रेस के आगुओं में एके की गल का जिक्र करते सन। सुनील जाखड़ कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफ़ी करीबी रहे ने अते एक बार चोण प्रचार समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्होंने आने वाले समय में मुख्यमंत्री अहुदे का वड्डा दावेदार भी करार दिता सी। 2019 दीआं लोक सभा चोणां विच भी सुनील जाखड़ उम्मीदवार सन पर भाजपा के सनी देओल ने उन्होंने हरा दिता सी। लगातार विधानसभा ते लोकसभा चोणां हारन तो बाद भी पार्टी विच उन्हां दा रुतबा घटिया नहीं सी। पिछले वरे कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मुख्यमंत्री हटाए जाण दी प्रक्रिया दौरान सुनील जाखड़ दा नाम मुख्यमंत्री दे उम्मीदवार वजों उभरिया सी अते 40 तो ज़्यादा विधायकां ने उन्हां दी हमायत कीती सी। उस समय कांग्रेस दी अंदरूनी सियासत अते केंद्री आगू दे गैर जिम्मेवाराना बयान कारण उह मुख्यमंत्री नहीं बण सके सन। पिछले दिन ही उन्होंने एक बयान कारण कांग्रेस तो मुअत्तल भी कर दिया गया सी। सुनील जाखड़ नूं गंभीर सियासी आगू समझा जाता रहा है। लोक सभा विच उन्होंने भाजपा दीआं नीतियां दा डट के विरोध किया सी। इस तों अलावा वह भाजपा दीआं राष्ट्रवादी नीतियां दे भी सख्त आलोचक रहे ने। हुण भाजपा विच शामिल होने ते उन्हां तों इह सवाल पुछिया जाना सुभाविक है कि की उन्हां दी विचारधारा विच इन्नी वड्डी तब्दीली आई है जां भाजपा विच शामिल होण दे कोई होर कारण ने। पार्टी छट दूजिया पार्टियां विच शामिल होना आगुआ दे सियासी नैतिकता ते भी सवाल उठाउंदा है। सुनील जाखड़ दे कांग्रेस छट के भाजपा विच इस तरह शामिल होण दे फैसले ने बहुत सारे पंजाबियों नूं हैरान जरूर कीता। हुण भाजपा विच शामिल हो जाण नाल भाजपा नूं वड्डे सियासी फायदे मिलण दी उम्मीद है।
जाखड़ परिवार का पंजाब के नाल नाल हरियाणा ते राजस्थान विच भी प्रभाव है। पिछले समय विच बहुत सारे आगू भाजपा विच शामिल होए ने, पर जाखड़ नू भाजपा विच शामिल करवाउणा पार्टी की सब तो वड्डी सियासी प्राप्ति मन्नी जा सकती है। गुजरात विच भी कांग्रेस के वर्किंग प्रधान हार्दिक पटेल ने कांग्रेस तो इस्तीफा दे दिता है। कांग्रेस की घटती हुई शक्ति देश की सियासत विच एक खलास जरूर पैदा कर रही है। धन्यवाद।